आपके पास अगर Redmi, EMI या Poco का डिवाइस है तो उसके सिस्टम एप्स अपडेटर में अक्सर कुछ ना कुछ सिस्टम के एप्लीकेशन के अपडेट नजर आते होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कॉन्टैक्ट, कीबोर्ड, EMI नोट्स, सिस्टम लॉन्चर, अपडेटर, थीम, नोटिफिकेशन, EMI शेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, EMI पे वगैरह, इन सभी के अपडेट मिले हुए हैं। और इसी तरीके से कुछ कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट ऐसे होते हैं जिसके हेल्प से आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ आपको ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ही देखने को मिलता है, कुछ नया देखने को नहीं मिलता। तो अभी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सिस्टम के ऐप्स के अपडेट आए हुए हैं जिसके हेल्प से आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्टिव वेट हो जाएंगे, जिसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा कि किस तरीके से हमें क्या कुछ नया फीचर देखने को मिल जाता है और इसे आप किस तरीके से अपने किसी भी Redmi, EMI या Poco के डिवाइस के अंदर यूज कर पाओगे। अगर आपके अपडेटर में शो नहीं भी हो रहा है ना कोई भी अपडेट, सो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल प्रोवाइड करूंगा और सभी सिस्टम ऐप्स के अपडेट भी आपको दे दूंगा जो कि आप अपने Redmi, EMI, Poco के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है नया और इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा गैलरी को। अगर आप अपने गैलरी को अपडेट कर लेते हो तो यहाँ पे कुछ नए फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कर पा रहा हूँ और यहाँ पे कैमरा और ऑल का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कैमरे के अंदर जो भी आपने कैमरे से क्लिक कर रखा है वो फोटोज आपको देखने को मिलेंगे और ऑल के अंदर सारे फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये फीचर्स कुछ टाइम पहले ही आया था जो कि मैंने आपको बता दिया था, बट ये उसका लेटेस्ट अपडेटेड है जिसमें कई सारे ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं और इसकी हेल्प से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और ये काफी ज्यादा पहले से स्मूथ हो चुका है। और इसके ऐप के ऊपर एनिमेशन भी काफी अच्छा खासा आपको प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। तो एक लेटेस्ट अपडेट है जिसकी वजह से आपको ऑप्टिमाइजेशन, नए फीचर्स और परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। और अगर मैं कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं अगर गैलरी को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैंने जो सेम फाइल को ओपन कर रखा था, दोबारा मैं आपको शो करता हूँ स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे आते हैं तो आपको देख सकते हो यहाँ पे 1 लिखा हुआ मिल रहा है। तो जो भी नए फोटोज वगैरह ऐड होंगे गैलरी में वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, जिस पर टैप करके आप चेक कर पाओगे कि क्या कुछ यहाँ पे ऐड हुआ है। सेकेंड चेंज आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी के अंदर। तो सिक्योरिटी को आपको पहले अपडेट करना होगा और जैसे आप अपडेट करोगे ना, यहाँ पे सब कुछ आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बीटा का टैग लग जाएगा क्योंकि जो कुछ भी अपडेट आता है सबसे पहले बीटा टेस्टिंग पे जाता है, उसके बाद वो फाइनल स्टेबल निकल के आता है। तो स्टेबल आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट ये जो बीटा टेस्टिंग है जिस वजह से आपको काफ़ी नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बीटा का टैग लगा रहता है बट ये स्टेबल जैसा ही काम करता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट लेटेस्ट फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा सर्च बार में सिक्योरिटी, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप नया लुक यहाँ पे इनेबल कर पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसका क्रिएट शॉर्टकट भी बना सकते हो। इसे कैसे एक्टिवेट करना है मैंने पहले भी एक वीडियो दे रखा है। तो इसे एक्टिवेट करते ही आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉक स्क्रीन एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जो आप चाहते हो इसे ऑन करना। तो अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो जब भी कोई आपका फ़ोन लॉक करेगा यानी रीस्टार्ट करना चाहेगा, ऑफ करना चाहेगा, तो डिस्प्ले पासवर्ड एक बार इन करना पड़ेगा। और एक और यहाँ पे नया फीचर्स ऐड हो चुका है जो कि कुछ कुछ डिवाइसेज के अंदर देखने को मिल रहा है, वो है सिम लॉक सपोर्टेड का एक नया फीचर्स जो कि अभी मेरे डिवाइस में शो नहीं हो रहा है, मे बी आप में नज़र आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखा रहा हूँ जो कि डिटेल शेयर किया गया था, जहाँ पे आप देख सकते हो सिम सिक्योरिटी का एक नया ऑप्शन आ चुका है जो कि इस फोन के अंदर अभी नज़र नहीं आ रहा है। इसे टाइप करते कुछ नए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि चाइना लैंग्वेज में ही हैं, क्योंकि स्पेशली सबसे पहले सब कुछ चाइना में ही टेस्ट होता है, तब जाके ये बाहर निकल के आता है। तो ये नए फीचर्स अभी तक आया नहीं है, कुछ कुछ डिवाइस में नज़र आ रहा है, कुछ कुछ में नज़र नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पे आपको सिम का एक नया ऑप्शन देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। तो इसके हेल्प से आप नए फीचर्स को एक्टिवेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे सिक्योर कीबोर्ड, यहाँ पे वेब ब्राउजिंग सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी, ब्लैक लिस्ट और यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है और बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से काम भी करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चेंज देखने को मिलेगा जो कि हमारा फाइल मैनेजर है। इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दे रखा था MIUI 13 का फाइल मैनेजर, तो ये भी आ चुका है और ये प्रॉपर काम करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो फाइल मैनेजर प्रोवाइड करने वाला हूँ और दोनों फाइल मैनेजर है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो भी फाइल मैनेजर आपको अच्छा लगता है उसे यूज रखो और दूसरे को डिलीट मार दो। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने सिस्टम ऐप्स के अपडेट के ऊपर जिसे मैंने डाउनलोड करके रख रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो फाइल मैनेजर नज़र आ रहे हैं।
तो अगर आप यहाँ पे 4.2.2.5 को इंस्टॉल करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टॉल करने के बाद आपका तो एक मेन फाइल मैनेजर यहाँ पे है ही, लेकिन एक और फाइल मैनेजर आ जाएगा जिसका लुक आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि चाइना के रोम में देखने को मिल जाता है या फिर EU का रोम डालते हैं उसके अंदर। तो ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, जो कि हमारा चाइना वाला फाइल मैनेजर है। तो हमारा ओरिजिनल भी आ गया और ये भी आ गया, और ये भी ओरिजिनल ही है, ऑफिशियल ही है, ना कि अनऑफिशियल। तो ये आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको MIUI 13 का चाहिए, तो ये जो अल्फा वाला है इसे आपको ऑन करना होगा। उसके लिए पहले परमिशन देना पड़ेगा एक बार। परमिशन कंप्लीट हो जाते ही आपको है जो बस यहाँ पे बैक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब जो आपने MIUI 12 का जो चाइना रोम का थीम है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, वो अगर यूज कर रखे हो तो उसी के ऊपर ये अपडेट हो जाएगा और एक कन्वर्ट हो जाएगा आपके MIUI 13 के लुक के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक तो ओरिजिनल वाला आ चुका है और एक ये आ चुका है, तो आप चाहो तो इसे यूज करो या फिर अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन ये अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी आपको देखने को मिलता है सिस्टम लॉन्चर, तो ये भी कुछ टाइम पहले ही अपडेट आया था, लेकिन इसके अंदर और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया गया, जिसकी वजह से जो होम स्क्रीन पे विजेट क्रिएट करने में कभी कभी लैग देखने को मिल रहा था, फ्रीजिंग देखने को मिल रहा था, एनिमेशन प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे जो फिक्स कर दिया गया है और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अब स्मूथ हो चुका है। तो आपको इसे यूज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा और ये परफेक्ट तरीके से काम करता है, तो इसे भी आप डाउनलोड करके अपडेट कर लेना, जिसके हेल्प से आपको एनिमेशन में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी सिक्योरिटी ऐप तो मैंने आपको बता ही दिया। ये रहा सुपर लाइव वॉलपेपर। अगर आप सुपर लाइव वॉलपेपर यूज करते हो तो इसे एक बार आप अपडेट कर लेना, क्योंकि जो पहले आपको सुपर लाइव वॉलपेपर की वजह से होम स्क्रीन पे हल्का फुल्का लैग या स्लो फील होता था, उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अपडेट है ऑप्टिमाइजेशन के साथ आया है और थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट के साथ आया है, तो इसे आप अपडेट कर लेना। और ये रहा वॉल्यूम बार, जो कि बहुत सारे डिवाइसेज को पहले ही मिल चुका है, यानी आपने APK डाल के अपडेट कर लिया है और बहुत सारे डिवाइसेज को अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये जो लुक है ना, ये सभी डिवाइसेज पे काम नहीं करेगा प्रॉपर। अगर आपको 12.5 का ऑफिशियल अपडेट मिल चुका है तो ये वॉल्यूम बार काम करेगा अगर एंड्रॉयड 11 यूज कर रहे हो तो, लेकिन आपका 12 है और एंड्रॉयड 11 नहीं मिला, एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है, तो ये वॉल्यूम बार आपका काम कर जाएगा अच्छे तरीके से। बट आप 12.5 अपडेट नहीं कर रखे हो और आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 पे काम कर रहा है, तो ये वॉल्यूम बार आपका काम नहीं करेगा। तो आप इसे एक बार चेक कर लेना कि आपके लिए वर्किंग है या फिर नहीं है। अगर वर्किंग है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वेट करना होगा आपके फ़ोन का एंड्रॉयड 11 में अपडेट होने का, साथ साथ 12.5 का, तो उसके बाद ये आपके लिए वर्किंग हो जाएगा। और ये रहा हमारा थीम, जो कि थीम का ऑप्टिमाइजेशन और बग फिक्सेज का अपडेट आया है, जिसके हेल्प से अगर आप अपने थीम को अपडेट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे थीम के अंदर पहले से ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगा और सारे जो थीम के प्रीव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक ओपन हो जाते हैं और स्लाइडिंग में आपको यहाँ पे टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, जो थोड़े बहुत बग आ रहे थे, जैसे कुछ थीम के प्रीव्यू है जो ओपन नहीं हो पा रहे थे, हमें वाइट वाइट देखने को मिल रहा था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो इसकी वजह से आपका जो थीम ऑप्टिमाइजेशन है वो पहले से और बेटर हो जाएगा। और ये रहा हमारा वेदर एप्लीकेशन, जिसपे आपको टैप करके अपने वेदर को अपडेट कर लेना है अगर आप वेदर यूज करते हो तो। इसे जैसे ही आप अपडेट करोगे, आपका जो थीम के अलावा जो वेदर एप्लीकेशन है ये भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और यहाँ पे नया लुक देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो ये ऑन है लेकिन दिखा रहा है टर्न ऑन योर लोकेशन सर्विस, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे जो इसने लोकेशन को डिटेक्ट कर रखा है, जो कि मैंने पहले किया था, और यहाँ पे आ रहा है टर्न ऑन लोकेशन सर्विस, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखा है, तो ये अब डिटेक्ट कर लेता है कि आपका ऑन है कि ऑफ है। तो अगर ऑफ रहेगा तो बता देगा भाई ऑन कर लो, ताकि आपको एक प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिल सके, जो कि आई थिंक ये पहले हमें देखने को नहीं मिलता था और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। बट इसके अलावा कुछ आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी टाइप से कुछ नए सिस्टम के ऐप्स के अपडेट आए हैं, जो कि फाइल मैनेजर, गैलरी, सिस्टम लॉन्चर, एप्लीकेशन इंस्टॉलर, सिक्योरिटी, सुपर लाइव वॉलपेपर, वॉल्यूम बार, थीम और वेदर के हैं। तो अगर आप ये अपडेट करना चाहते हो तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। और ये जो पैकेज इंस्टॉलर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर पैकेज के हेल्प से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता होगा, या कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि एरर देते होंगे। तो इस पैकेज इंस्टॉलर को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो इंस्टॉलेशन टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे, एरर दे रहे थे, वो भी यहाँ पे अब इंस्टॉल होने लग जाएंगे। तो अगर आप MIUI 12 या 12.5 का ऑफिशियल रोम यूज कर रहे हो ना, तो ये सारे सिस्टम के ऐप्स आपके ऊपर काम करेंगे, लेकिन कुछ कुछ डिवाइसेज पे ये सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि कुछ कुछ फीचर्स है ना वो सिस्टम वाइज लॉक किए रहते हैं और कुछ कुछ में अनलॉक किए रहते हैं। तो ये आपको खुद से पर्सनली चेक करना होगा, उसके बाद आपको अपडेट करना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो चुका है लेकिन काम नहीं कर रहा है और उसे आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो बस सिंपल क्या करना है, आपको सिक्योरिटी पे जाना है, यहाँ पे मैनेज ऐप पे जाना है,
triple.showAllApplication और यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपने क्या क्या इंस्टॉल कर रखा था, जो जो आपने इंस्टॉल कर रखा है जो काम नहीं कर रहा है आप यहाँ से फाइंड करके उसे अनइंस्टॉल है जो कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको जो प्रीवियस यानी ओल्ड वाला जो फीचर्स था वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मुझे गैलरी को अनइंस्टॉल करना है तो मैं गैलरी के जाऊंगा अपडेट पे और यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो या तो आप सिक्योरिटी से करो, यहाँ से कर सकते हो। ये रहा सिक्योरिटी एप्लीकेशन, मुझे इसे अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो ये डिफॉल्ट वाले सेटिंग्स पे चला जाएगा और डिफॉल्ट वाले सिक्योरिटी ऐप के ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बीटा का जो टैग था वो हट चुका। तो आई होप सो गाइज कि मैंने पूरा डिटेल दे दिया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो वॉच करने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करके शेयर करना ना भूलें। सो बाय।